क्या आपको पता है रोज हिप ऑयल हमारे स्किन में स्किन ग्लोई करने के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्किन में डार्क स्पॉट्स को रिमूव करना, हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना, आपके स्किन में अगर मॉइस्चर लॉस हो गई है यानी कि डिहाइड्रेटेड हो गई है उसको भी ठीक करती है। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि ऐसे कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन के लिए एकदम परफेक्ट होगा, हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स को हटाएगा, साथ ही साथ हमारे स्किन को जो चाहत होती है जैसे कि ग्लोई स्किन होना, एकदम क्लीन एंड क्लियर स्किन होना, वो कैसे हमें मिलेगा। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप 100% कोल्ड प्रेस्ड रोज हिप ऑयल ही यूज करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, साथ ही साथ प्योर फॉर्म होने की वजह से ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट टू डू नाउ, कहाँ से रोज हिप ऑयल लाए? वेरी इजी गाइस, यू शुड यूज नेचर्स लॉज 100% कोल्ड प्रेस्ड रोज हिप एंड रास्पबेरी सीरम फॉर रेडियंट ग्लोई स्किन एंड इट इज सुटेबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसे कैसे यूज करना है एंड व्हाई शुड यू यूज दिस प्रोडक्ट। इट इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी एंड ई, ये आपके सन डैमेज को रिपेयर करता है। इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टू रिपेयर डैमेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन एंड अर्बन स्ट्रेस। इट बूस्ट्स अप योर कोलेजन प्रोडक्शन एंड रिड्यूसेस हाइपरपिगमेंटेशन, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है ताकि आपकी स्किन ब्राइट हो एंड डेड स्किन सेल्स रिमूव हो। इट कंट्रोल्स योर डिहाइड्रेटेड स्किन ऑल्सो, यानी कि आपके स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है आपकी स्किन हाइड्रेटेड रखने के लिए। नेचर्स लॉ 100% कोल्ड प्रेस्ड रोज हिप एंड रास्पबेरी सीरम में है 100% नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड सर्टिफाइड रोज हिप ऑयल, जो अच्छे रोज हिप फ्रूट्स आते हैं उसको कोल्ड प्रेस्ड प्रोसेस में ऑयल निकाला जाता है। एंड इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव या फिर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डाला जाता है, तो ये हम 100% प्योर फॉर्म बोल सकते हैं। तो 100% कोल्ड प्रेस्ड प्रोडक्ट इज द प्योर फॉर्म यू विल बी गेटिंग एंड ये आपकी स्किन में डायरेक्टली जब अप्लाई करते हैं आप तो ये डीपर लेवल में पेनिट्रेट करता है लाइक अ सीरम एंड देन इट स्टार्ट्स ट्रीटिंग योर स्किन एंड जो भी आपके स्किन में प्रॉब्लम्स होती है उसको वो रिमूव करती है। हमारी स्किन नाइट में रिपेयर मोड में जाती है ना, तो जब आप इसको रात में लगाते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई विल रिकमेंड यू टू यूज 2 times a day, एक सुबह एक रात को, ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। जितना ज्यादा लगाओगे उतना जल्दी आपकी स्किन इसको सूट करेगा एंड यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स। अगर आपकी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है तो भी आपको ये सूट करेगा एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन तो आपको तो इजीली सूट कर ही जाएगा। इसकी खासियत ये है, ऑयलीनेस आपको नहीं लगेगी, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाती है, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस माइल्ड है तो आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स है दैट इज रोज हिप ऑयल, रास्पबेरी सीड ऑयल, रोज ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, विटामिन ई एंड हेजलनट ऑयल। तो इतने सारे ऑयल्स डाले गए हैं क्योंकि ये ऑयल हमारे स्किन में सच में बेनिफिशियल होते हैं हमारे स्किन के लिए। इसकी पैकेजिंग प्लस इसकी प्रोडक्ट इसको बनाता है इसको बेस्ट एंड इट इज 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री। नेचर्स लॉ इज अ मेड इन इंडिया ब्रांड, तो आप इजिली इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लेकिन परचेस करने से पहले एक बार देख लो कैसे इसको यूज करना है। बहुत ही आसान है, जब आप फेस वॉश कर रहे हैं तो फेस वॉश करने के बाद पैर ड्राई कर लें एंड देन थोड़े ड्रॉप्स लेंगे 3 to 4 drops एंड स्प्रेड करेंगे ओवरऑल अपनी फेस एंड नेक एरिया में एंड देन मसाज करते हुए एब्जॉर्ब करवाएंगे हमारी स्किन को। एंड इसमें ऐसे कोई भी केमिकल्स नहीं है जो आपके स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल। सो दिस सीरम इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस केमिकल्स। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन भी है तो भी इजिली आपको ये सूट कर जाएगा, आपके एक्ने को इरिटेट नहीं करेगा, उल्टा इट विल हेल्प टू ट्रीट योर एक्ने एंड पिंपल्स ऑल्सो। सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई करें एंड इसका लिंक जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एंड परचेस फ्रॉम देयर एंड ये अमेजन फ्लिपकार्ट में आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो जरूर लिंक पे क्लिक करके परचेस करें एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन शेयर इट विद माय यूट्यूब फैमिली। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेटर, बाय बाय।